This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। अमेरिकी रिजर्व बैंक के अगले चेयरमैन बनेंगे राजन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पद के लिए बेस्ट उम्मीदवार हैं। ऐसा एक ग्लोबल फाइनेंशियल मैगजीन की बैरन का कहना है। ऐसी संभावना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेडरल रिजर्व बैंक के नए प्रमुख के नाम की जल्द घोषणा करेंगे। मौजूदा प्रमुख जेनेट येलेन का कार्यकाल अगले वर्ष की शुरुआत में समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि पहले भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे देश के सेंट्रल बैंक के चेयरमैन के पद की ऐसी व्यक्ति संभाल चुके हैं जो वहां के अमेरिकी नागरिक नहीं थे, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के चेयरमैन का पद कनाडा के जन्मे मार्क कार्नी ने संभाला था। बैरन मैगजीन ने रघुराम राजन की वकालत। बैरन मैगजीन के अनुसार रघुराम राजन अमेरिकी सेंट्रल बैंक के चेयरमैन पद के लिए एक आदर्श व्यक्ति होंगे। रघुराम राजन के पक्ष में बैरन मैगजीन ने तर्क दिया है कि जब दुनिया भर से देशों में खेल टीमें अपने खेल को सुधारने के लिए दुनिया की सर्वोच्च प्रतिभा का चुनाव करती हैं, तो फिर अमेरिका सेंट्रल बैंक में ऐसा क्यों नहीं कर सकता। वित्तीय संकट की भविष्यवाणी पर करने आए थे सुर्खियों में। रघुराम राजन पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो पश्चिमी देशों के नहीं, वो 2005 में अर्थशास्त्रियों और बैंक प्रमुखों की सालाना बैठक में वित्तीय संकट की भविष्यवाणी कर सुर्खियों में आए थे। उन्हें पूर्व यूपीए सरकार ने 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर नियुक्त किया था। फिलहाल शिकागो विश्वविद्यालय में बूथ स्कूल ऑफ द बिजनेस में फाइनेंस के प्रोफेसर हैं। रघुराम राजन का सफर। रघुराम राजन पिछले साल तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। इस पद को छोड़ने के बाद वो अमेरिका चले गए। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनने से पहले राजन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर रह चुके हैं। उन्होंने 40 साल की उम्र में ही इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री को पद को भी संभाला। ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे। 2013 में उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को बनाया गया। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया। धन्यवाद।